नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की। 11.90 रुपए का स्टॉक हो चुका है, 10.42% की रैली यहां पर आई है। 60 मिलियन शेयर अब तक ट्रेड हुए हैं। बाजार 3 दिनों की तेजी के बाद आज चौथे दिन थोड़ा सा गिरावट में रहा है, करेक्शन का जोन में बोलूंगा। यहाँ पे एक्सपायरी डे था एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। अभी भी अगर आप देखो तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अभी भी रैली बरकरार है और वहां पर प्रॉफिट आपका बन सकता है। जैसे रिन्यूअल हो गया आपका, या बैंकिंग स्टॉक हो गया आपके, मेटल सेक्टर हो गया आपका, टेक्सटाइल हो गया, जहां पर गवर्नमेंट स्कीम में, गवर्नमेंट इनिशिएटिव PLI स्कीम लागू की गई है, उन स्टॉक्स में, उन सेक्टर्स में रैली है। बजट जा चुका है, बड़ा इवेंट था और बड़े इवेंट के बाद एक बड़ी रैली की उम्मीद थी, हालांकि वो मार्केट पे अभी तक दिखाई नहीं दी है। मार्केट आपका प्रीवियसली जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। बिफोर बजट सेशन अगर आप देखो मार्केट के, तो वही बजट सेशन के बाद भी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर नहीं है। हालांकि मार्केट एक जोन में जरूर गया है और जोन के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे सुजलॉन में क्या आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरह की यहाँ पर बड़ी घोषणाएं की हैं रिन्यूअल को लेकर के, बड़े फंड यहाँ पर रिलीज करने की बात कही है, क्या उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी रैली की संभावना बनती है आपके सामने या नहीं, उसकी भी चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, टारगेट से लेकर के टाइम फ्रेम तक सब कुछ बताएंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं सुजलॉन की, मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूं यहाँ पे, और उससे पहले देखो बात कर लेते हैं बाजार के। बाजार में जो अंडरलाइंग इश्यूज थे वो अभी भी हैं, और उनके साथ में अगर आप देखोगे तो कुछ जो सेफ सेक्टर्स हैं वहां पर पैसा बनेगा आपका। सेफ सेक्टर्स कौन कौन से हैं, अगर आप निफ्टी बैंक की बात करो, बैंकिंग सेक्टर आर ऑन द फ्रंट और बैंकिंग में पैसा बन रहा है, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या फिर आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, सरकारी सेक्टर के बैंक हो, या फाइनेंस में जो है धनी सर्विसेज वगैरह है, इन सभी स्टॉक्स में आपका पैसा बनेगा। आज जहां पर बैंक निफ्टी में 0.5-0.6% की गिरावट हुई है, वहीं पर निफ्टी 50 आपका 1% से ज्यादा फिसला है। तो ये तो तय है कि जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ गई है रिसेंटली, और यही कारण है कि बाजार में आने वाले दिनों में जो बड़े स्टॉक्स हैं और जो बड़े बास्केट के स्टॉक्स हैं वहां पर भी वोलेटिलिटी रहेगी ही रहेगी। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स का टाइम फ्रेम बनेगा आपका, और सुजलॉन इज वन ऑफ दोज अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, तो यहाँ पे मैं खरीदारी करने की सलाह आपको दूंगा। जहां तक निफ्टी 50 का चार्ट का सवाल है, आप देख लो कि यहाँ पे बाजार जो है आपका वो थोड़ा सा एक रेंज में चल रहा है। लोअर एंड पे आपको मानना पड़ेगा कि 17,000 के आसपास का आपका बाजार है, 16,900-17,000 के आसपास एक रेंज है लोअर एंड पे, एंड अपर साइड पे आपका 1,800-1,300 के आसपास का रेंज बना हुआ है। तो मार्केट एज लॉन्ग एज मार्केट ट्रेड्स इन दिस रेंज, मैं बोलूंगा कि यार देखो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बाजार है यहाँ पे। यहाँ से गिरावट की शुरुआत हुई थी, नीचे आया, उसके बाद दोबारा से ऊपर गया, 18,300 का एक रजिस्टर फेस किया और वहां से दोबारा गिरावट में आया था। दो हफ्तों की गिरावट हुई, दोबारा रैली में है, अच्छी बात है। आई वुड से कि देखो मार्केट में अगर एक वेव लाइक पैटर्न भी बनता है इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में या आने वाले 2-3 महीनों में, कि मार्केट को एक सपोर्ट मेंटेन करवाना है कि यहाँ पर सपोर्ट बन गया, अब इससे नीचे बाजार एटलीस्ट नहीं जाएगा, ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा मार्केट को। जो एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी है, एक्स्ट्रा सप्लाई है, एक्स्ट्रा मनी मार्केट में आ रहा है, फंड इनफ्लो जो आ रहा है, चाहे वो FII की तरफ से हो, चाहे वो जो न्यूली कम ट्रेडर्स हैं आपके सामने उनकी वजह से हो, तो बाजार जो रैली में रहा इतने टाइम से, अब उसको सपोर्ट मेंटेन करना है। अगर सपोर्ट मेंटेन करता है आने वाले 2-3 साल, मतलब 2-3 महीने भी, आई वुड बी फाइन, क्या ठीक है, मार्केट आपका रेंज में है। और एट द सेम टाइम अगर आप अच्छे स्टॉक में पैसा लगाते हो तो उन स्टॉक्स में आपको रैली देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उनमें से एक स्टॉक है आपका सुजलॉन, लोअर एंड पे आपको जो सपोर्ट लेवल बना है दैट इज अराउंड 11.25 रुपए 11.20 रुपए का सपोर्ट लेवल है आपका। पहला रेजिस्टेंस कहाँ पर है भैया, पहला रेजिस्टेंस है 12.60 रुपए का, यहाँ पर भी आपको रेंज दिखेगी। एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में ये रेंज में आपको विजिबल करके दिखा दूंगा कि मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक है आपके सामने इस समय वो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, और वो रेंज को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उस रेंज को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा कि रेंज कहाँ पर है। लोअर एंड पे 11.20 का 11.25 का सपोर्ट लेकर के चलो, खरीदारी करो। अपर साइड पे पहला 11-12.60 के आसपास का टारगेट रख सकते हो, या फिर रेजिस्टेंस है आपका जो आपका पहला टारगेट मिलेगा। एंड मुझे लगता है कि बाजार जिस तरह का चल रहा है इस समय आपको इस टारगेट की जरूरत है। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स रहे हैं जिनमें बहुत अच्छी रैली रही है और उसके बाद गिरावट में है, 14 रुपीज का आपको पहला टारगेट यहाँ पर मिलेगा, और 14 के बाद आपको जो नेक्स्ट टारगेट है वो 16.5 का है, 16.5 का 16-16.5 रुपए के आसपास का आपका सेकंड टारगेट लेकर के चलना है। बाजार जोन बना चुका है और जोन में आपको रिन्यूअल में खरीदारी करनी है। जिस तरह की आप देखो क्वेश्चन है, जिस तरह का है, जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी 12,000 करोड़ रुपए दे चुकी है इस सेक्टर को। बजट सेशन में भी रिन्यूअल को लेकर के चर्चा हुई, कोल टू मेथेन की चर्चा हुई यहाँ पे, तो स्पीच में काफी कुछ बोला गया, और उसके बाद भी बजट स्पीच के बाद भी प्रेसिडेंशियल स्पीच में भी काफी कुछ कहा जाएगा। अभी की अगर आप बात करो तो लोअर एंड पे RSI आपका 58 पॉइंट का है, MACD आपका न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न में है, खरीदारी करने का चार्ट है। एंड आई वुड
रिन्यूअल में थोड़ा सा पैसा लगा करके चलो, चाहे वो सुजलॉन हो, गीता रिन्यूअल्स हो, ऊर्जा ग्लोबल हो या कोई और स्टॉक हो, आपको इन स्टॉक्स में पैसा बनेगा। अब जहां तक थोड़ी सी फंडामेंटल्स की बात है, सुजलॉन जैसी कंपनी 12,000 करोड़ के बाद भी बज नहीं कर रही है, और बहुत सारे स्टॉक्स और हैं जो लगातार एक रेंज बना चुके हैं। अगर मैं आपको इसका डेली चार्ट से हटा करके वीकली पैटर्न दिखा दूं, वीकली पैटर्न लुक्स ऑसम। अगर आप देखो 3-4 हफ्तों के लिए यहाँ पर सपोर्ट मेंटेन हुआ है, सिमिलरली जैसे बाजार का हुआ है, तो अभी के लिए अगर आप बात करो तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलो, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर टाइम करेक्शन हो सकता है, बट प्राइस करेक्शन में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो। 11, 11:30 के आसपास एक गिरावट होती भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अभी भी माल उठाओ। हर गिरावट में अगर आप माल उठाते हो, ये स्टॉक आपका ऐसा है कि लंबे समय में बहुत अच्छा मुनाफा बना के देगा। 100 रुपए का स्टॉक 110 का भी होगा और 650-700 का भी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी में पोटेंशियल है। सुजलॉन एक के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, इन्होंने डोमेस्टिकली भी काम किया है, इंटरनेशनल बाजार में भी इन्होंने अपने कदम जमाए थे। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनको बहुत सारी सब्सिडरी अपनी डोनेट करनी पड़ी, बेचना पड़ा, बट उसके बाद ये दोबारा से डोमेस्टिकली आए हैं। नाउ दे आर एक्सपेंडिंग इनटू वेरियस स्टेट्स। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियोज में भी बताया था कि सुजलॉन ने गुजरात में अपना एक्सपेंशन करने का फैसला लिया है, इंटरनेशनल मार्केट में दोबारा ये कदम रख रहे हैं, फंड रेजिंग का भी फैसला है यहाँ पे। तो ओवर एंड ऑल देखोगे तो कहीं ना कहीं सुजलॉन में आपको एक बड़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, खबरों की बात तो अच्छी है, टेक्निकल पैरामीटर ठीक है, वहीं पर अगर खबरों में भी देखो तो कंपनी ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपका पॉजिटिव मार्जिन, बहुत अच्छा पॉजिटिव मार्जिन, रेवेन्यू में ग्रोथ यहाँ पर आई है। लॉस में जो 236 करोड़ का लॉस था, वो अभी 182 करोड़ का लॉस में तब्दील हुआ है, तो ग्रोथ यहाँ पर भी है। और मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में सुजलॉन भी आपको एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी एक ऐसा स्टेज पॉइंट चल रहा है जब भी मार्केट आपका गिरावट में है, बाजार में कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, ब्रेंट के प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं पर अगर आप देखो तो रशिया यूक्रेन का भी टेंशन सर पे है। तो ऐसे में आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो लंबा समय रखो, ग्रोथ स्टॉक्स होने चाहिए। वैल्यू स्टॉक है ये कंपनी, ग्रोथ स्टॉक है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो फ्यूचर है इसका। और मैं आपको 3 महीने 6 महीने के लिए भी टारगेट दे रहा हूँ यहाँ पे, 2-2.5 महीने के लिए भी टारगेट दे रहा हूँ, बट मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप इसमें पैसा लगाओ और अपनी पोजीशंस को पकड़ के बैठो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, 2 साल 3 साल 5 साल 8 साल 10 साल, क्योंकि 2030 तक 50% ऑफ आवर एनर्जी कंजम्पशन जो है वो रिन्यूअल से आएगा, और रिन्यूअल कंपनीज अपने पास इंडिया में बहुत कम है। अडानी ग्रीन हो गया, वो मैनिपुलेटिव कंपनी है, टाटा पावर एक अच्छी कंपनी है, उसमें पैसा लगाया जा सकता है, कोई दो राय नहीं है। टाटा पावर और अडानी ग्रीन को छोड़ दिया जाए तो बड़ी कंपनीज नहीं बचती अपने पास जिनके ऊपर भरोसा किया जा सके, सभी की सभी छोटी कंपनी है, सुजलॉन जैसी कंपनीज है। इसका 11 रुपए स्टॉक प्राइस है, ऊर्जा ग्लोबल का 19 रुपए है, जेपी पावर का 9 रुपए है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज के नाम गिनवा दूंगा मैं जो आपको पेनी स्टॉक में ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। खरीदारी करके चलो, स्टॉक अच्छा है, कंपनी में लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। जहां तक डिलीवरी की बात है, 50%, उससे पहले 37%, बिफोर दैट 100%, बिफोर दैट 41%, 38%, बिफोर दैट 46%, ओवर एंड ऑल देखोगे तो कहीं ना कहीं डिलीवरी परसेंटेज बहुत गजब का है। ठीक है, जहां तक बाजार की बात है, अंडरलाइंग इश्यूज हैं अभी भी आपके सामने, FIA भी क्वाली कर रहे हैं, RDI थोड़ी बहुत खरीदारी में जरूर आए हैं उतर के, बट वो अभी भी मार्केट को प्ले आउट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो कहने के मार्केट में अब गिरावट की उम्मीद है, गिरावट हो सकती है, बट बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं ट्रेड होगा, बहुत ज्यादा भारी वॉल्यूम नहीं आया है। सीधा मतलब है कि मार्केट को एक कंसिस्टेंटली एक लोअर एंड पे ले आके आने की कोशिश और रेंज बनाएंगे, मुझे लगता है कि रेंज यहाँ पर बनेगा, रेंज को फॉलो करना चाहिए आपको। खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी आपको इस स्टॉक में, बाकी लास्ट कॉलमर्स भी है, उसका है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।